भगवान श्री हरि विष्णु के सातवें अवतार श्री राम। आइए श्री राम जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। श्री राम ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची के पुत्र महर्षि कश्यप के वंश से जो सूर्य वंश हुआ उसी के इक्ष्वाकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र सीता के पति व लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त हैं। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य मित्र माता पिता तक का त्याग किया। 500 वर्षों बाद पुनः अयोध्या जी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के घर आगमन 22 जनवरी 2024 को हुआ। धनुषधारी श्री राम के बारे में आइए कुछ चर्चा करते हैं। राम के पर्याय शब्दों को समझिएगा। शुरू करते हैं। राम एक नाम है, एक पुरुष है, एक सेवक है, एक जनाधार है, एक युग पुरुष है, अखंडित महिमा है, एक सूत्र है, राम संपूर्ण भारत है। तभी तो संपूर्ण भारत राम में है। राम भगवान है, राम सनातनी है, राम सृष्टि है, राम साकार है, राम तो उत्सव भी है। राम प्राण है, राम प्रतिष्ठा है, राम स्नेह है, राम प्रेम है, राम कुबेर है, राम रस है, राम हम सबका प्रयास है, राम भावना है, राम महिमा है, राम न्याय है, राम हमारी शान है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे समाधान है, राम रोशनी है, राम दिवाली है, राम ज्योति भी है, राम अमन है, राम चैन है, राम परंपरा है, राम समारोह है, राम जगत है, राम आनंद है, राम शक्ति है, राम मर्यादा पुरुष है, राम श्रोता है, राम शक्ति है, राम हरि है, राम आकर्षण है, राम उक्ति है, राम सुक्ति भी है, राम स्वप्न है, राम आस्था है, राम समर्पण है, राम रचयिता है, राम त्यौहार है, राम मुकुट है, राम धरोहर है, राम नीति है, श्री राम धैर्य है, राम एक साकार सपना है, राम नित्यानंद है, राम कीर्तन है, राम दीपोत्सव है, राम मुस्कान है, राम सूर्योदय है, राम सवेरा है, राम सुकून भी है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी, भाग्यवान है हम जो इस राम काज इस राम राज के साक्षी बन रहे हैं। राम राज्य हैं और हम इस राम राज्य के वासी। धन्यवाद। पसंद आए तो रचना को सब्सक्राइब करिएगा।